युवा खेल व सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में शारदीय नवरात्र पर्व पर पूरी भव्यता के साथ पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है, जहाँ माता के भक्त प्रतिदिन पूजन अर्चन कर माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वही जंगल सफारी की तर्ज पर बनी आकर्षक झांकियां भी लोगों को काफी लुभा रही है। यहां गरबे का भी आयोजन समिति के द्वारा दशहरा ग्राउंड में किया जा रहा है। हर साल की तर्ज पर इस साल भी शारदीय नवरात्र पर युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में भव्यता से माता दुर्गा की स्थापना की गई है। प्रतिदिन यहाँ पर शाम को आरती और पूजा अर्चना में श्रद्धालु शामिल होते हैं, साथ ही इसके जंगल सफारी भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरतलब है कि जंगल सफारी की तर्ज पर युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में आकर्षक झांकियां तैयार की गई है। माता का आशीर्वाद लेने और इस झांकी को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर रोजाना पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही दशहरा ग्राउंड में लगाया गया गरबे का ग्राउंड भी आकर्षण का केंद्र है। गरबा खेलने के लिए यहाँ पर रोजाना महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की जाती है। खास बात यह है कि इस प्रांगण में सिर्फ महिलाएं ही गरबा खेलती है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी। इसके साथ ही बताया कि आगामी दिनों में दशहरा का पर्व भी यहां पर मनाया जाएगा। इस बार का जंगल सफारी डिजीलैंड का थीम है। अंदर पूरा पंडाल में जंगल के लुक पे बना हुआ है, जो यहां के जो श्रद्धालु दर्शक है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये समिति का दूसरा वर्ष है माँ दुर्गा पूजा का। लगातार हम लोग 28 वर्षों से दशहरा पर्व भव्य तरीके से करते आ रहे हैं। इस 29वें वर्ष में भी हर भव्य तरीके से दशहरा का आयोजन 12 अक्टूबर को है। मैं भिलाई दुर्ग की सम्मानी जनता को सादर आमंत्रित करता हूँ, आइए माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर दिए। सेक्टर 7 हाईस्कूल दशहरा मैदान में मैं सभी को आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आइए माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। पंडाल का जो नया दिन में जंगल के लुक में जो बना हुआ है उसका आनंद लीजिए। बहरहाल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँच रहे हैं। ACN News के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।